मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं कि चार्ज शीट जो डिले हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका जवाब मुझे आप थोड़ा सा मुख्तसर दे। क्या पाकिस्तान की तरह इंडियन कोर्ट भी 160 दिन काम करती है और वहां पे 40 से 50% जज की कमी है, ये रिपोर्ट है मेरे पास, और सबसे ज्यादा छुट्टियां अप्रैल और मई में होती हैं, ये ठीक है सर? जिस दिन मोमिन मलिक भारत का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन जो है भारत के अंदर ना जजेस की कमी रहेगी, ना देश की पुलिस की कमी रहेगी, ना देश की फौज की कमी रहेगी, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेस भर्ती आपको मिलेगी, और जो सेंसर स्ट्रेंथ जो जजेस की है, मिसाल के तौर पे 500 पोस्ट है जज की, तो 500 पोस्ट के साथ 100 जजेस एक्स्ट्रा खाली बैठे होंगे, जो कोई छुट्टी पे जाएगा तो उनकी जगह वो काम करेंगे। मोमिन मलिक जिस दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन देखना देश की जो व्यवस्था है वो कैसे ठीक करेगा। मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप क्या समझते हैं कि चार्ज शीट जो डिले हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका जवाब मुझे आप थोड़ा सा मुख्तसर दे। सर ये मैं आपके चैनल पर नहीं बता सकता। ये आज आपने हेमंत प्रेशर वाले प्रेशर सर वाली बात कर दी है, वो कहते हैं साइड पे आना बताऊंगा। सुनो पता क्या है, वो एक कहावत है, देखो हर आदमी के लिए का देश सबसे बड़ी चीज है, ये तो आप मानते हो, आपके लिए आपका देश सबसे पहले है, मेरे लिए मेरा भारत सबसे पहले है। अगर ये चैनल आपका भारतीय चैनल होता तो मैं उनकी बखे उधेड़ देता, समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तानी चैनल है, अगर मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 100 कमियां भी है ना, तो मैं अपनी उन कमियों को आपके चैनल पे मेरी मजबूरी में नहीं बता सकता। अगर यही बात भारतीय चैनल पूछता तो मैं उनकी पखे उधेड़ देता, लेकिन उनका मान सम्मान ठीक है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका मान सम्मान रखना मेरे देश की पुलिस है, मेरे देश का प्रशासन है, उनका मान सम्मान करना मेरा दायित्व नहीं मेरा फर्ज भी है। इसलिए मैं आपको ये इस चीज का जवाब मैं सॉरी आपसे नहीं देता। नहीं, 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 नहीं। सर मेरी बात सुने, देखे मैं वो सरिता जी थी, अब मुझे बड़ी अच्छी तरह जान गई है, मैं ना थोड़ी मस्ती वाले भी सवाल करता हूँ जान के बंदे को तंग करने के लिए, मुझे जानती है। अच्छा अब मेरी बात सुने, और ये होगा एक दिन, मैं सर, ये मुझे पता है ये एक दिन होगा, ये आप लिख लेना ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो एक दिन होगा। सर ये चीज कैश भाई आपकी बात से की बात याद आ गई, अगर इसी तरह से एपी सिंह बन गया ना कहीं प्रेसिडेंट ऐसे उदय पे आ गया उसने क्या करना है, उसने सीमा हैदर को बना देना है भारत का चीफ जस्टिस, और उसने कहना है कि इसका नोटिस लेकर मोमिन मलिक को उम्र कैद कर दो। रामे साहब वो 10 जन्म भी ले लेगा, अगर 10 जन्म भी ले लेगा 10 जन्म जी तो मोमिन मलिक को ऊपर वाले ने इतना कानूनी दिमाग दिया है, मोमिन मलिक तो जब भी उसके जो ना उससे किसी उसमें नहीं आएगा। हाँ मेरा 1 घंटा ही उसके लिए बहुत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा असल में सर मैंने ये जानकर बात बताई है इसलिए कि जो लोग बार बार इतनी लेट तारीख दे दी, अभी मुझे सुबह से मेरा सर खाया हुआ है, नवंबर की डेट ले ली, ये क्या बात हुई, आप ये क्वेश्चन पूछे। अब मैं सर स्टूपिड क्वेश्चन पूछता नहीं हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों की अवेयरनेस है ना। मैं उसको जवाब देता हूँ आपको। देखिए हमारे भारत की जो जनसंख्या है, हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, वो आपकी पॉपुलेशन कितनी है पाकिस्तान की? 25 करोड़ है। 25 करोड़, हम आपसे 4-6 गुना ज्यादा है। एक अरब और 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है भारत में। तो आप देखेंगे
बहन का बहन के खिलाफ केस है, बिल्कुल, भाई का भाई के खिलाफ केस है प्रॉपर्टी का, मियां का बीबी के खिलाफ है, बीबी का मियां के खिलाफ है, पड़ोसी का पड़ोसी के खिलाफ है, और जो क्राइम भारत जो क्राइम होते हैं उनके बहुत सारे केसेस है। एक दिन में 500 केसेस एक जज सुनता है, दिमाग हैंग हो जाता है भाई साहब। 500 जज 500 केस जब कोई एक जज सुनेगा, 500 केस का मतलब है 1000 वकील, क्योंकि जो 500 केस होंगे उसमें दो वकील होंगे, एक इधर का वकील होगा एक इधर का वकील होगा, 1000 वकील होंगे। अगर ज्यादा मुलजिम है तो जितने मुलजिम होंगे उतने उतने वकील होंगे, तो एक जज कम से कम जो है वो 1500, 1600, 2000 वकीलों की बात को सुनता है। और एक वकील ही अगर कोई मोमिन मलिक जैसा वकील एक ही चला जाए तो वो वकील अलग एक तरफ और मोमिन मलिक एक तरफ, तो उसके दिमाग को सुन के आप देख लो कि लोगों के दिमाग भी हैंग हो जाते हैं। तो जज साहब क्या करें, इतना बर्डन जुडिशरी पे इतना सारा बर्डन है, इतने नंबर ऑफ केसेस। मुझे जज साहब कहने लगे कि मलिक साहब 11वें महीने से पहले कोई भी देख लो, आप ये रजिस्टर देख लो अपने आप, उनका एक रजिस्टर होता है। आप आराम से पानी पिए सर, और हम माफी चाहते हैं आपसे, ये हाथ जुड़े हुए हमारे, और आपको सैल्यूट अलहदा है और सर माफी भी है। आस्था माँ जी भी आ गई हैं। अब वो कहने लगे मलिक साहब आप देखो ये रजिस्टर मुझे दिखा जज साहब ने, 11 महीने से पहले कोई डेट खाली नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कहने लगा सर आप ये देखो कि मैटर, क्योंकि वो बच्चों की कोर्ट है, उसमें सारे मैटर ही बच्चों से रिलेटेड है, पोस्को कोर्ट है, जहां पर बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है वो सेशन कोर्ट है, छोटी कोर्ट नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, तो वहां पर सारे मुकदमे ही बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होते हैं उससे कनेक्टेड वो केस वहां होते हैं। तो हम ये बात भी नहीं कह सकते कि भाई बच्चों का केस, मैंने कहा सर ये केस पाकिस्तान के बच्चों का है, पूरी दुनिया की निगाहें इस केस पर सर लगी हुई है कि भारतीय अदालत क्या कर रही है। सर ये हमारी रेपुटेशन का भी सवाल है, जो दूसरे केसेस हैं वो भारत के अपने हैं, उनको हम कर सकते हैं, वो हमारे घर के केस है, इसमें पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है सर। और आप देखोगे सर कि पूरी दुनिया के लोग साइट पे जाके चेक कर रहे हैं इसको, कह रहे हाँ ये बात तो है। मैंने कहा फिर तो उन्होंने छोटी तारीख दी, उन्होंने 9वें महीने की, शायद कोई 10वें 9वें 10वें महीने की लगाई, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि सर आपने 1-1.5-2 महीना काम कर दी, लेकिन मैं बीच में एप्लीकेशन लगाऊंगा अर्ली हियरिंग की। तो वो एक कानूनी तरीका है कि अगर डेट लंबी हो जाए तो हम एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हमें ये अर्जेंसी है और इस केस को जल्दी सुना जाए। तो वो मैं बीच में जब तक काम अदर भी आ जाएगा तो मैं अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगा दूंगा, एप्लीकेशन लगा दूंगा, गुलाम हैदर की दरखास्त, गुलाम हैदर भी आ जाएगा, अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगने के बाद वो डेट और भी छोटी हो जाएगी। तो वो मेरे हाथ का काम है, जो मेरे हाथ का मेरा प्लान ये है जब तक गुलाम हैदर भी आ जाए, क्योंकि वो बायोलॉजिकल फादर है, जो उसकी सुनी जाएगी वो मेरे पावर अटॉर्नी के थ्रू, शायद ये दिमाग में बात हो कि वकील है अपने दिमाग से जानबूझ के एलिगेशन लगा रहा है, नहीं, जो बाप की गवाही होगी, बाप की गवाही की इंपोर्टेंस, मेरी गवाही जो मैं बीइंग पावर अटॉर्नी करूंगा उसके मुकाबले में गुलाम हैदर की गवाही ज्यादा ठोस है, ज्यादा स्टिक है, ज्यादा मजबूत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुलाम हैदर की खुद की गवाही जो बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है उसके अंदर हो, मेरी गवाही भी हो, तमाम वीडियो हम दिखाएं, तमाम वीडियो हमने लगाई भी है। तो मैं एक तक चीज को, कोई भी मेरा केस है, कोई भी स्टेप है, उसको मैं पहले 1000 बार सोचता हूँ, उस पर एनालिसिस करता हूँ, उसके क्या रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव होंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, अगर सामने की तरफ से ऐसा हुआ तो मेरी उसकी काट ये है फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं पूरा डायग्राम बना करके चलता हूँ, पूरी प्लानिंग करके चलता हूँ, अंधा होके काम नहीं करता, जाया फाइल कर दिया चले गए, नो, एक एक स्टेप को 100 बार 1000 बार सोचता हूँ और उस स्टेप को ये मान के चलता हूँ कि इसमें मेरी हार है,
इसमें मेरी जीत नहीं, इसमें मेरी हार है। अगर इसके मैं जीत मान के नहीं चलता, अगर इसके में मेरी हार होगी और मेरे सामने ये बात आएगी तो इसका क्या सलूशन मुझे करना चाहिए? अगर वो ऐसा करेंगे तो इसकी इसकी काट क्या है, इसका सलूशन क्या है, इसकी चाल क्या बनेगी, जैसे शतरंज की चाल होती है। तो मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करके पूरा डायग्राम बनाता हूँ, अपनी पूरी टीम को इकट्ठी करता हूँ, जो मेरे विश्वास पत्र मेरे जूनियर्स हैं उनको सबको मैं बताता हूँ, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे, ये ऐसे। लेकिन मैन बात उनसे भी छुपा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ना, पता नहीं होता कौन कहाँ जो ना सीक्रेसी लीक कर दे। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे करना कुछ और होता है और मैं जूनियर्स को कहता हूँ भाई ये काम हमें ऐसे करना है, लेकिन एन मौके पे मैं उसको चेंज करके दूसरा काम करता हूँ जो दूसरी चीज मैंने डिसाइड की हुई है। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, आप यकीन करो कि जो सीमा हैदर वाला मामला है आपको इशारा ही बहुत है कि इसके पीछे क्या मामला है क्या नहीं है, बस इशारा बहुत है। हर चीज को करना जो है, हर चीज को कैसे करना है क्या करना है, वो मेरी कानूनी चीज समझ जो है, इसलिए तो मैं उनके काबू नहीं आ रहा हूँ, इसलिए तो उन सबको मैंने बांध दिया है, उसका रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। अब मैं बताता हूँ ना, ये जुमला सर सिर्फ अल्लाह टीवी पे बोला गया और ये जुमला कैस अली ने बोला था, वो ये बोला था कि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़े हैं बस। उसके बाद मैंने कहा था इसमें से जो निकालना है वो निकाल सकता है, क्योंकि हम ना राइटर से लोग हैं तो हम जुमला लिखते हैं और जिसने अपना मीनिंग निकालना होता है अपने दिमाग से वो निकाल लेता है। आपने आज वो भी बात मेरी क्लियर कर दी है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है।